दोस्तों आज आप लोगों को बताएंगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डिप्टी कमिश्नर सोनितपुर रिक्रूटमेंट 2019। तो यहाँ पे देख सकते हैं जूनियर अकाउंट असिस्टेंट के लिए पोस्ट है, तो आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं डिप्टी कमिश्नर सोनितपुर आसाम के लिए पोस्ट है, तो इसे अप्लाई करने का प्रोसेस जो तरीका है यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे जो एप्लीकेशन प्रोसेस है यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन भी है एंड ऑफलाइन भी है, दोनों तरफ से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, जो आपका इजी होता है ऑनलाइन भी कर सकते हैं एंड ऑफलाइन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो लास्ट डेट यहाँ पे देखा जाए अप्रैल का 10 तक रहेगा लास्ट डेट। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं डीसी सोनितपुर रिक्रूटमेंट 2019 डिटेल्स। तो यहाँ पे डिटेल्स जो होता है यहाँ पे मैंशन कर दिया गया है, इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन पर दे देंगे, तो लिंक पर क्लिक करके इस पेज पर आके अच्छा से पढ़ सकते हैं और अच्छा से जानकारी हासिल कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो होता है आप लोगों का एजुकेशन, मतलब आप लोगों का एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन होता है यहाँ पे आप लोग अप्लाई करने के लिए आप लोगों को डिग्री मैक्सिमम होना है चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ज़्यादा सा अदर्स नॉलेज होना चाहिए आप लोग का, जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए व दूसरा डिप्लोमा होने से अच्छा है आप लोग यहाँ पे इजी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद आप लोग का एज लिमिट यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आपका 18 ईयर से लेकर 44 ईयर तक होना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है, सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ डिप्टी कमिश्नर सोनितपुर रिक्रूटमेंट 2019। तो यहाँ पे बोला गया है दोस्तों आप लोगों का जो डिप्टी कमिश्नर होता है इसका हिसाब से आप लोगों को और सिलेक्शन प्रोसेस किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नीचे आ जाएंगे, आने के बाद यहाँ पर बोला गया है दोस्तों हाउ टू अप्लाई डीसी सोनितपुर रिक्रूटमेंट 2019, तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में यहाँ पे बोला गया है। तो लिंक पर क्लिक करना है, लिंक पर क्लिक करके आप लोगों का जो फॉर्म आ जाएगा फॉर्म को फिलअप करना है, स्मार्टशीट सर्टिफिकेट जो भी आप लोगों का रजिस्ट्रेशन करना है, इसके बाद अपलोड करना है फोटोग्राफी सिग्नेचर आप लोग अपलोड करना है और आपको जो फॉर्म होता है उसको कंप्लीट करना है बोला गया है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आपको जो 5 रुपीज़ यहाँ पे ये आप लोगों को पे करना पड़ेगा फॉर्म के लिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों जो स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑन जेनरेशन, तो यहाँ पे बोला गया देख सकते हैं दोस्तों वो स्टार्टिंग जो होता है 10 मार्च से स्टार्ट हो चुका है, दिन इवनिंग टाइम का जो 5 बज चुका है से स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे बोला गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जेनरेशन, तो यहाँ पर बोल गया है 20 मार्च तक रहेगा आप लोग, इवनिंग का 5 बजे तक रहेगा। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते तो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे और यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ ऑफलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस जो सबमिशन मतलब होता है सबमिट करना, तो यहाँ पे अप्रैल का 10 डेट तक रहेगा, यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं सुबह का जो सॉरी दोस्तों शाम का 5 बजे तक रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर आ गए इम्पोर्टेंट लिंक और डिप्टी कमिश्नर सोनितपुर रिक्रूटमेंट 2019 यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो नोटिस है अभी तक नहीं आया, आने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है मतलब एप्लीकेशन लिंक होता है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप लोग फॉर्म को निकाल सकते हैं और आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर ज़्यादा से जानकारी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर दिखाएंगे फॉर्म को और कैसे निकालना है, तो यहाँ पर क्लिक हेयर दिखाई दे रहे हैं, तो क्लिक हेयर पे क्लिक करके आप लोग फॉर्म को निकाल सकते। तो यहाँ पे जो क्लिक हेयर पे दिखाई दे रहा है, क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे और कोई बहुत सारा आप सिलेक्ट कर लेंगे, करने के बाद आपके सामने नया सा एक पेज खुल किया जाएगा। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहेंगे, आप नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और आप वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, बुरा लगे तो डिसलाइक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं दोस्तों आप लोगों को, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों और यूज़र नेम एंड पासवर्ड देने के लिए बोला है। ठीक है दोस्तों, तो इसके सामने जो यहाँ पे साइन अप दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे साइन अप करेंगे। ठीक है दोस्तों, साइन अप पे क्लिक कर देंगे और नया सा एक पेज खुल के आ जाएगा आपके सामने। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों नया सा एक पेज खुल के आ जाएगा आपके सामने, देखिए दोस्तों नया सा एक पेज खुल के आ गया आपका सामने। तो यहाँ पे आप लोग यूज़र नेम देना है, इसके बाद आपका मर्ज़ी से आप लोग
पासपोर्ट देना है, इसके बाद फिर से एक कंफर्म करना है, आपका ईमेल देना है, इसके बाद आपका फ़ोन नंबर देना है और आपका यहाँ पे जो क्रेडिट अकाउंट दिखाई दे रहा है क्रेडिट अकाउंट अन करना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप लोगों को और लॉगिन करना है और फॉर्म को फिलअप करना है। तो वीडियो इतना तक ही है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बुरा लगे तो डिसलाइक कीजिएगा और आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो मेरे ज़रूर ज़रूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। तब तक के लिए भाई जय हिंद दोस्तों।